हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्डपेड के बारे में। वर्डपेड का पूरा फुल ऑप्शंस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए आइए देखते हैं कि वर्डपेड में हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और किस किस प्रकार के काम कर सकते हैं। और वर्डपेड के सारे ऑप्शंस को एक एक करके हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वर्डपेड। वर्डपेड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, अपने कंप्यूटर के स्टार्ट वाले ऑप्शंस पे जाइए। यहाँ पे टाइप कीजिए वर्डपेड, WORDPAD वर्डपेड। वर्डपेड टाइप करने के बाद आप इंटर बटन को प्रेस करिए। जैसे आप वर्डपेड टाइप करते हैं, आपका वर्डपेड देखिए यहाँ पे ऐसे ऑन हो जाता है, ठीक है। अब ऑन होने के बाद देखिए किसका क्या काम है और किसका क्या नाम है, यहाँ पर हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है टाइटल बार, इसको आप टाइटल बार बोलते हैं। ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। मिनिमाइज अगर आप करते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पे टास्क बार पे आ जाता है, फिर इसको करेंगे बड़ा हो जाएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखिए छोटा हो जाएगा डिस्प्ले पे। टाइटल बार को पकड़ के आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, देन इसको फिर उससे बड़ा कर सकते हैं। बंद करने के लिए क्लोज को यूज करना है आपको। अब देखिए ये ऑप्शन जो है, ये है मेन्यू बार। अब ये जो वर्डपेड है इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे ये मेरा डॉक्यूमेंट है, देखिए ये लिखा हुआ है कुछ। दूसरा डॉक्यूमेंट हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये डॉक्यूमेंट इस टाइप का। अगर आपके पास नोट्स है तो आप वर्डपेड में टाइप करके रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इस टाइप का अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताते हैं ऑप्शंस की, किस ऑप्शंस का क्या यूज है। अब देखिए फाइल ऑप्शंस में जाते हैं तो सबसे पहले ऑप्शंस जो आता है वो है ऑप्शन न्यू। न्यू का मतलब हो गया नया, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एन। न्यू पे क्लिक जैसे ही हम करते हैं, देखिए मेरे सामने एक नया पेज आ गया, पूरा फ्रेश पेज आ गया। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं कुछ भी, गुरुकुल कंप्यूटर जॉन मैंने टाइप किया। टाइप करने के बाद अभी इसको अगर कंप्यूटर में हमें सेव करके रखना है तो क्या करेंगे, फाइल के ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से सेव का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे हमें अगर डिस्प्ले पे डेस्कटॉप पे सेट करना है तो यहाँ पे डेस्कटॉप ले लेंगे। डेस्कटॉप लेने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसका नाम लिखता हूँ, इसका नाम न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट मैंने लिख दिया इसका नाम, और यहाँ से क्या करते हैं सेव कर देते हैं। देखिए ये क्या हो गया, सेव हो गया। अब हम आपको डिस्प्ले पर दिखाते हैं, ये देखिए न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से यहाँ पे डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा, ये मेरा सेव हो गया। अब अगला ऑप्शन जो है वो है ओपन का। अभी यहाँ से फिर से हम एक नया पेज ले लेते हैं। अब हमें फिर से वही फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और जाने के बाद ओपन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम ओपन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ये डेस्कटॉप का ऑप्शन मेरे सामने आ गया। अब मेरा क्या था, न्यू डॉक्यूमेंट था नाम, है ना। ये देखिए मेरा न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन करते हैं, ओपन हो गया। गुरुकुल कंप्यूटर जॉन मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए मेरे सामने आ गया। तो न्यू समझ में आया, ओपन समझ में आया, सेव समझ में आया। सेवेज का मतलब हो गया दोबारा उसी फाइल को किसी अनदर नेम से सेव करना, किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए। जैसे यहाँ पे पहले मैंने न्यू डॉक्यूमेंट से सेव किया, अभी किसी और नाम से सेव करना तो क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और सेवेज पर क्लिक करेंगे। अभी नाम इसका न्यू डॉक्यूमेंट टू कर देंगे। यहाँ पे जैसे हम सेव करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया न्यू डॉक्यूमेंट टू करके, ठीक है। तो आपको सेवेज समझ में आया। अगला ऑप्शन से प्रिंट का, जब हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो हम आपको प्रीव्यू दिखाते हैं। यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन प्रीव्यू है, तो देखिए जब ये मेरा प्रिंट होगा तो कुछ इस प्रकार से ये लिखा हुआ रहेगा और ये प्रिंट हो जाएगा। प्रीव्यू समझ में आया। प्रीव्यू के बाद है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट पर जैसे हम क्लिक करते हैं वो मेरा वो ना प्रिंट हो जाता, अगर प्रिंटर यहाँ पर लगा हुआ रहता तो। देन ये प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि प्रिंटर इसमें कनेक्ट नहीं है। अगला ऑप्शन जो है वो है प्रिंट का। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा क्या है नाम प्रिंटर का, तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम दिख रहा है। ऑल मतलब सभी पेज। अब यहाँ पे पेज का रेंज दे रहा है कि किस पेज को प्रिंट करना है। मान लीजिए कि आपने 10 पेज टाइप कर दिया, 10 पेज टाइप करने के बाद सिर्फ पेज नंबर 2 प्रिंट करना है तो यहाँ पे पेज नंबर 2 लिखेंगे और प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। अब पेज नंबर 2 का कितना कॉपी चाहिए, एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी, जितना कॉपी चाहिए यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे 4 कॉपी चाहिए, 4 मैंने यहाँ पर टाइप किया। 4 टाइप करने के बाद जैसे हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे 4 कॉपी मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट तो करना नहीं है अभी, मैं प्रिंट समझ में आ गया। आगे है पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या है कि पेज को सेटिंग करना। प्रिंटर में जो नॉर्मल पेज रहता है वो A4 साइज का रहता है, तो यहाँ से हम A4 सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए A4 मैंने सेलेक्ट कर लिया। A4 सेलेक्ट करने के बाद ये पोर्ट्रेट मतलब पेज को लंबा रखना है, लैंडस्केप का मतलब पेज को
चौड़ा रखना है। पोर्ट्रेट रखेंगे तो ये लंबा रहेगा और लैंडस्केप रखेंगे तो पेज चौड़ा रहेगा। अब ये है मार्जिन, मार्जिन का मतलब हो गया आपका चौथाई। चौथाई हम आपको बताते हैं मार्जिन, ये जो है ये देखिए मार्जिन, मार्जिन का मतलब चौथाई। इधर देखिए जगह कितना छोटा हुआ है, इस जगह को अगर हम जीरो जीरो करते हैं तो देखिए ये जीरो जीरो हो गया, यहाँ पे देखिए साइड का ये मार्जिन जीरो हो गया। अब 0.5 रखते हैं, देखिए थोड़ा सा इधर जगह दिया। उसी प्रकार से राइट मार्जिन आप रख सकते हैं, टॉप का मतलब ऊपर मार्जिन रख सकते हैं और बॉटम का मतलब नीचे मार्जिन। मार्जिन सेट करने के बाद हम ओके करेंगे, ये मार्जिन मेरा देखिए इधर सेट हो गया ना। ये पेज सेटअप समझ में आया। सेंड मेल, किसी को ईमेल करने के लिए, अबाउट वर्डपेड, वर्डपेड के बारे में पढ़ने के लिए है ये, पढ़ सकते हैं। और एग्जिट मतलब वर्डपेड से बाहर जाने के लिए। तो यहाँ के बाद और अगला नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे गुरुकुल कंप्यूटर जोन लिखा, अब इसके साइज़ को हमको बड़ा करना है। तो साइज़ को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए साइज़ दिया हुआ है, साइज़ हम जाएंगे 48 कर देते हैं। यहाँ से भी साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, ये जो ए दिया हुआ है क्लिक करेंगे बड़ा होगा, यहाँ से छोटा होगा, ठीक है। अब इस टेक्स्ट का अगर आपको स्टाइल बदलना है तो स्टाइल बदलने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल इसका चेंज करेंगे। देखिए स्टाइल चेंज हुआ, जो स्टाइल आपको अच्छा लगे यहाँ से आप स्टाइल ले लेंगे। स्टाइल लेने के बाद आप इसको छोटा कर सकते हैं या फिर बड़ा कर सकते हैं। स्टाइल समझ में आ गया, साइज समझ में आ गया। अब यहाँ से बोल्ड है, अब टेक्स्ट को बोल्ड अगर आपको करना है तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं, मतलब देखिए देखो थोड़ा सा टेक्स्ट टेढ़ा दिख रहा है। अब टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करिए और अंडरलाइन वाले ऑप्शन पे आ जाइए, देखिए टेक्स्ट अंडरलाइन हो रहा है। अब किसी टेक्स्ट को क्रॉस करना है, काटना है, जैसे आप देख रहे होंगे फ्लिपकार्ट वगैरह में 500 लिखा हुआ है, ऐसे किया हुआ है और इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्रॉस किया हुआ है, देखिए ऐसे दिखे होंगे आप। और उसके बाद क्या लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है 499 और ऐसे। देन इसका अब कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसको ग्रीन करना है देन ग्रीन कर देंगे। इसको रेड करना है तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे और इसको रेड कर देंगे। अब इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और हाईलाइटर पे जाएंगे और हाईलाइट कर देंगे, देखिए ये हाईलाइट हो गया। समझ में आ गया आपको, कलर चेंज करने के लिए ये हाईलाइटर के लिए यूज करते हैं हम लोग, ये क्रॉस के लिए यूज करते हैं, अंडरलाइनिंग के लिए यूज करते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको लिखना है CO2 लिखना है तो आप यहाँ पे बेस वाले पे क्लिक कर लीजिए और 2 लिखिए, देखिए लिखा गया CO2। फिर से क्लिक करिए, ये नॉर्मल हो जाएगा, देखिए नॉर्मल लिखा रहा है। अब हमको लिखना है A+B का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे A+B और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और स्क्वायर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और फिर से 2 लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए A+B का होल स्क्वायर लिखा गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगला ऑप्शंस जो है, जैसे ये गुरुकुल कंप्यूटर जोन जो लिखा हुआ है ये सेंटर में नहीं है, इधर कम जगह इधर ज़्यादा, हम सेंटर में करना चाहते हैं, देखिए ये सेंटर में हो गया। राइट करना है तो देखिए राइट हो गया। अब देखिए ये जो लिखावट है इसको हमको थोड़ा सा राइट करना है, देन थोड़ा सा राइट हो गया, थोड़ा सा लेफ्ट करना है, थोड़ा सा लेफ्ट, जितना आपको लेफ्ट करना है लेफ्ट करिए, जितना इंच लेफ्ट जितना इंच राइट चाहिए आप राइट कर सकते हैं और लेफ्ट कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट में अगर आपको नंबरिंग करना है तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और नंबर वाले ऑप्शंस पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए बुलेट डालना है, बुलेट डाल दीजिए, देखिए यहाँ पे आ गया ये डॉट डॉट बुलेट। अब इसको नंबरिंग करना है तो आप नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। अगला जो ऑप्शंस है उसमें क्या है कि ये जो दो लाइन है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, इन दोनों लाइन के बीच का जो गैप है उसको बढ़ाना है आपको, तो आप गैप बढ़ा सकते हैं, देखिए गैप बढ़ गया। और गैप को कम करना है, घटाना है, तो ये देखिए एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की जो दूरी है वो कम हो गया, ठीक है। अब अगला ऑप्शन जो है वहाँ पे हम आपको बताएंगे ये पिक्चर लाने के लिए, पिक्चर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, कोई भी पिक्चर जो आपको लाना है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन में जाएंगे, देन ये पिक्चर मेरा आ गया। इस पिक्चर को हम छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा और बड़ा हो रहा है। तो इस प्रकार से आप पिक्चर ला सकते हैं। पिक्चर के बाद पेंट का ऑप्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। देन अगला जो ऑप्शन है वो है डेट और टाइम का। अभी प्रेजेंट में जो डेट और टाइम है इस पर आप क्लिक करेंगे, लाने के लिए आप सेलेक्ट करेंगे जो फॉर्मेट आपको पसंद आए उसको ओके कर देंगे। ये डेट और टाइम आ गया। डेट और टाइम के बाद है अगला ऑप्शन इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया अगर आपको फोटोशॉप आता है, कोरल ड्रो आता है, पेज मेकर आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, तो वहाँ पे आप इसको
देखिए सारा सॉफ्टवेयर जितने भी मेरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वो सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें से जो सॉफ्टवेयर हमें ऑन करना है उसे सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, जैसे ओके करेंगे वो मेरा सारा सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। देन वो तो हमें करना नहीं है अभी। अगला जो ऑप्शन है वो है फाइंड का। फाइंड का मतलब हो गया खोजना। जैसे आपने बहुत बड़ा एक लेटर लिखा हुआ है, जैसा कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा लेटर लिखा हुआ है। अब इस लेटर में हमको सर्च करना है कि हेल्प वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, तो हम फाइंड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हेल्प, HELP, हेल्प। देखिए जैसे मैंने हेल्प यहाँ पे टाइप किया, देखिए यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ पे आपने हेल्प लिखा हुआ है, ठीक है। देन इस प्रकार से कोई भी वर्ड को आप हेल्प मैंने सर्च किया, जो वर्ड आपको सर्च करना है उस वर्ड को आसानी से आप सर्च कर सकते हैं। अगला है रिप्लेस। अब हेल्प के जगह पे यहाँ पे आपको कोई और वर्ड लिखना है एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं दूसरे वर्ड से। जैसे यहाँ पे HELP, हेल्प मी करना है हमको, तो देखिए हेल्प मी कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हेल्प मी नहीं है ना, रिप्लेस करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हेल्प मी हो गया, ठीक है। देन इस प्रकार से आप वर्ड को बदल सकते हैं किसी दूसरे वर्ड से। सेलेक्ट ऑल, पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। चलिए तो आई होप होम का सारा ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप देखिए व्यू। व्यू में कोई ऑप्शंस वैसा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। जूम इन का मतलब हो गया पेज को बड़ा करना, देखिए पेज बड़ा हो गया। जूम आउट का मतलब हो गया पेज को छोटा करना, 100% ना तो पेज बड़ा रखना ना ही पेज को छोटा रखना है। रूलर, ये जो आपको मेजरमेंट दिख रहा है यहाँ पे, रूलर, ये रूलर दिख रहा है ना, इस रूलर को हटाना है तो यहाँ से देखिए रूलर पे जो टिक लगा हुआ है, चेक मार्क लगा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए, देन ये रूलर हट गया। फिर से रूलर लाना है तो रूलर आ गया। स्टेटस बार, नीचे की जो स्टेटस बार ये पट्टी दिख रहा है, इस पट्टी को हटाना है, देन हट गया, लाना है तो आ गया। अब ये जो पेज आपको दिख रहा है इतना दिख रहा है नॉर्मल सा, अब आप नो रेप पे जैसे क्लिक करेंगे एक नोटपैड के जैसा दिखेगा। देखिए ये पेज नोटपैड जैसा दिख रहा है ना। फिर से यहाँ पे वर्ड रेप पे जाएंगे और रूलर पे क्लिक कर देंगे, देन ये पेज देखिए थोड़ा सा खूबसूरत ऐसे दिखने लगता है। अब इसका जो ये मेजरमेंट है ये इंच में है, ये जो मेजरमेंट आपको दिख रहा है ये इंच में है। इसको अगर सेंटीमीटर में आपको करना है तो सेंटीमीटर में आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सेंटीमीटर में हो गया। तो इस प्रकार से ये वर्ड का सारा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो होगा मेरा, वो वीडियो होगा पेंट का, ठीक है।